अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डाना सिरी मोहलत बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। डाना सिरी मोहलत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जुल्म जब हद से गुजर जाता है तो यकीनन उसको मिटना ही होता है, और अब इस ड्रामे की आगे आने वाली एक साथ में भी यही होने वाला है। अब एक तरफ तो पुप्पो के होश ठिकाने आने वाले हैं, तो वहीं महम की माँ को भी एहसास होगा कि उनकी प्यारी बेटी महम अपनी सगी बहनों तक का भला नहीं कर सकती और ना ही उनका भला होता देख सकती है। वो एक बहुत ही खुदगर्ज लड़की है। ड्रामा सीरियल मोहलत में आप देखेंगे कि दावर बहुत समझदारी से अपनी माँ से पूछेगा कि हक महर कितना होगा, जिस पर पुप्पो भी मुतमईन अंदाज में जवाब देंगी कि वही शरई। वैसे लोग शरीयत को ऐसे मामलात में बहुत अच्छी तरह याद रखते हैं, ख्वाह दूसरी शादी करनी हो या हक महर। जिस पर दावर माँ से कहता है कि मैंने तो सुना है कि हक महर शोहर की हैसियत के मुताबिक होता है। इसके बाद माँ बेटा में एक बार फिर महम की वजह से बहस होने लगी, जबकि दूसरी तरफ नवारा भी फैसला कर लेती है कि अब वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाकर रहेगी और कहती है कि अब मैं खुद के लिए वो सब करूंगी जिसके लिए मैंने सोचा था और कभी मैंने ख्वाब देखे थे। फिर आप देखेंगे कि महम के हाथ में एक कागज होता है और वो यकीनन हक महर का चेक ही होगा, क्योंकि महम उसे बार बार खुशी से देख रही होती है, जिस पर उसकी माँ जाहिदा उसे कहती है कि खुदा तुम्हारी किस्मत अच्छी करे और तुम्हें बहुत खुशियाँ दे, अब तुम अपनी बहनों के लिए भी अच्छे रिश्ते ढूंढो। लेकिन महम तो हवाओं में उड़ रही होती है, तभी वो कहती है कि मैंने किसी की कोई जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है, अगर वो मेरी बहनें हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अभी आगे आगे जाहिदा बेगम को ये एहसास जरूर होगा कि महम कितनी खुदगर्ज है। फिर आखिर वो पल आ ही जाता है जब महम दुल्हन बनी दावर के साथ बैठी होती है और दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा रहे होते हैं। तब काजी साहब दूल्हे से पूछते हैं कि हक महर कितना होगा। इस पर सब परेशान होकर एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं। हो सकता है कि ये एक तरह का सस्पेंस क्रिएट किया गया हो, या फिर महम की पुप्पो से दावर ने हक महर की असल रकम छुपाई हो। फ्रेंड्स, अब इस ड्रामे की स्टोरी में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है, जानने के लिए हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।